रहे, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है पृथ्वी में, तो ध्यान रखना है ध्रुवों पर होता है। उसका कारण भी मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी क्या है, जियोट है या अपन अंडाकार में है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। यानी कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान, अपन जो अगर खड़े हैं तो अपना भी द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का भी द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी, आर क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। अपन ऐसे नॉर्मली चुंबक से ले सकते हैं, चुंबक को जितना पास लाएंगे फोर्स उतना ही एक दूसरे की तरफ खींचेगा, जितना दूर ले जाएंगे तो बल का मान घटेगा, सीधी सी बात इतनी सी है। तो ये दूरी है, जैसे अगर अपन यहाँ खड़े हैं और एक बंद आदमी यहाँ खड़ा है, तो बल जिसका ज्यादा किस पे लगेगा, अपने को पता है ध्रुव वाले पे लगेगा। तो पहला सवाल आएगा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। सबसे कम कहाँ होता है, सबसे ज्यादा दूरी कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है, इसलिए सबसे ज्यादा दूरी, सबसे कम जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल वो लगेगा भूमध्य रेखा पर। दो सवाल ये हो गए। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दूरी कम होती जा रही तो बल का मान बढ़ेगा। चौथा सवाल ये बनेगा कि अगर आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हो तो क्या होगा, दूरी बढ़ती जा रही है तो बल का मान घटता जाएगा। ठीक है, चार क्वेश्चन हो गए, दो तो एक तो यहां से बनेगा, सबसे ज्यादा सबसे कम भूमध्य रेखा पर, तीसरा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, चौथा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, पांचवा है पृथ्वी के केंद्र के लिए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, जीरो, क्योंकि वहां पे दूरी जीरो हो जाती है, तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे आगे अपना मैटर जीरो आना, इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है। ध्यान रख लेना 100% अगर सवाल बनता है तो इन पांच के अलावा छठा सवाल नहीं बनेगा, ये क्लियर है। आगे बढ़िए,